वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। यूपी का एक और बाहुबली योगी सरकार के निशाने पर, मुलायम योगी को कर चुका है चैलेंज। कौन है बाहुबली नेता रिजवान जहीर? यूपी की योगी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही बाहुबली नेताओं पर लगाम लगाने में लगी हुई है। कथित रूप से बाहुबली नेताओं द्वारा अपने धौंस के दम पर अर्जित की गई संपत्ति पर कार्यवाही कर रही है। इन नेताओं में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन अब इसमें रिजवान जहीर का नाम भी जुड़ गया है। पिछले दिनों योगी सरकार ने रिजवान जहीर पर भी कार्यवाही की है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है जहीर रिजवान और कैसा रहा इनका राजनीतिक सफर। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ गुरुवार यानी 12 मई को बड़ी कार्रवाई हुई। बलरामपुर में तुलसीनगर से सटे शीतला पुल गांव में पूर्व सांसद की कोठी और बगल में खाली पड़ी जमीन को प्रशासन ने मुनादी के बाद सीज कर दिया। सीज संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सिर्फ कोठी ही 2 करोड़ रुपए की है। रिजवान जहीर का नाम इतना बड़ा है कि विरोध के डर से सरकार को वहां पर पुलिस और पीएसी को तैनात करना पड़ा। हालांकि इस समय जहीर अपनी बेटी और दामाद के साथ एक मर्डर केस में जेल में बंद हैं। दरअसल 4 जनवरी 2022 की रात सपा नेता और तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू का मर्डर हुआ था, जिसका आरोप पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी और उनके दामाद पर लगा। पुलिस ने उन्हें मर्डर के 6 दिन बाद ही अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। अक्टूबर 2021 में ही रिजवान जहीर सपा में शामिल हुए थे। रिजवान जहीर के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो साल 1989 में निर्दल, 1993 में सपा, 1996 में बसपा से तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। साल 1998 और 99 में सपा से वो श्रावस्ती लोकसभा से सांसद रहे। रिजवान जहीर के राजनीति के सितारे गर्दिश में उस वक्त आ गए जब उन्होंने साल 1999 के बाद मुलायम सिंह को ही सीधा चैलेंज करते हुए कहा कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, चाहे तो खुद मुलायम सिंह यादव आकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी चुनाव हार जाएंगे। जिसके बाद से ही रिजवान जहीर के सितारे गर्दिश में चले गए और तब से ही उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता। हालांकि 2021 में अखिलेश यादव उन्हें फिर से सपा में ले आए। तो ये थी बाहुबली रिजवान जहीर पर हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए, साथ ही इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।